खाने के बाद मेरा फेस कितना कमजोर लग रहा है, कुछ दिशा नहीं देख। हम के बज चुके हैं 6, तो ये ब्लॉग मैं शुरू कर। हेलो, आप सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है बोल सकते हैं। तो आज का शुरुआत कैसे करते हैं, शाम का अपना रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूंगी जितना कैप्चर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती, ये है चप्पल जो बहुत टाइम की मेरे पास रखी है, तो आज इनका टाइम आ गया है पहनने का, तो मैं पहनूंगी। गुड़िया को भी मैंने चंपी की थी, तो ठीक है। आपको मैं बैक कैमरे, ये देखो इस तरीके की लग रही है, अच्छी लग रही है। वैसे मेरे पैर ही अच्छे नहीं है तो चप्पल कहाँ से अच्छी लगेगी यार। मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं है वैसे तो, पैर ही क्या। तो मैं चल के देखती हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल तो बहुत है वैसे, सही है। चलो इनको ही पहन के जाऊंगी अब मैं। बोल तो हो गया, आप रोज बोलती रहती है जाऊंगी जाऊंगी, पर जा कहाँ रही हूँ ये नहीं पता लग रहा है किसी को। ओहो, गुड़िया ने सुचू कर दी, मैंने देखा ही नहीं। तो चलो इनको भी एक साइड रख लेते हैं। ये चाय के बर्तन हैं, गुड़िया का लंच पड़ा है, इसको धो ले, कपड़े पड़े हैं इनको उठा लेते। ये देखो मेरे कान्हा जी की पोशाक जो मैंने खुद हाथ से बनाई है। ये वैसे दीदी की, दीदी है ना उनकी मशीन से, वैसे मैं कभी कभी अपने हाथ से ही बना लेती हूँ सुई से। और एक दो प्रियांशी से, प्रियांशी ने भी बनाई, कैसी लगी बताना जरूर। ये वाली जो ड्रेस पहने हैं ना, ये मैंने सुई और धागा से अपने हाथ से सिलाई मार के बनाई है, जो रेडीमेड वाली होती है ना वो। नाना जी के सारे वस्त्र मैंने धो दिए जहाँ बिछाने वाले, और काफी अच्छा फील हो रहा है। और ये है हमारे कान्हा जी का बिस्तर जहाँ वो शाम को मतलब रात को सोते हैं। और यहाँ कान्हा जी के लिए, बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ मैं। शाम को सिर्फ कान्हा जी को भोग में दूध दे यहाँ पे कर दिया है, मैं कान्हा जी को भोग के लिए दूध दे देती हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। कहते हैं कि कान्हा जी भोग नहीं मानते जब तक इसमें तुलसी का पत्ता ना डालो, तो यहाँ पर तुलसी का पत्ता डाल दिया है। हे मेरे कान्हा जी, जो कुछ है स्वीकार करो, आप मैं अर्पण करती हूँ आपको। तो फ्रिज में देख लेते हैं क्या क्या सब्जी पड़ी है, सब्जी बनाने की करते हैं तैयारी। गोभी है, लौकी है, दही, शिमला मिर्च है, कुछ और नहीं है तो समझ नहीं आ रहा। गुड़िया का इंतजार कर रही हूँ, मैंने उसकी तैयारी कर ली है, यहाँ पर मैं मालिश करूंगी। और ये है हमारी गुड़िया रानी का बिस्तर जो मैं रात को सुलाती हूँ उसको यहाँ पे 12 बजे तक, मतलब वैसे तो वो सोती नहीं है पर हम कोशिश करते वो अपने बिस्तर पे ही सोए। मैंने मुंह धोया तो कहते तेल लगा के जरूर फेस वॉश करना चाहिए, तो मैंने नेचुरल फेस वॉश बनाया अपना जो मैं यूज करती हूँ। तो अभी मैंने लोशन नहीं लगाया है, तो लोशन लगाऊंगी क्योंकि अब आ रही सर्दियाँ। सब स्किन मतलब ड्राई ड्राई सी हो जाती है ना। जुकाम सा ऐसा फील हो रहा है, मेरे नेल्स भी बहुत बड़े बड़े हो गए, इनको काटने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, थकान सी हो जाती है यार। मैं गुड़िया के दूध की तैयारी कर रही हूँ, मालिश तो कर दी मैंने, फिर उसका मुँह हाथ। काम सारा खत्म हो गया, अब हम लोग खाएंगे खाना। खाने में है दोपहर की कढ़ी और गोभी की सब्जी, दाल चावल रोटी, वैसे खाना है ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, तो आप लोग भी खा लीजिएगा। खाना वाना खा लिया, बर्तन भी साफ कर दिए, तो टाइम हो गया 8 से ऊपर हो गया होगा। तो अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट।